हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ साईफाई मूवी द डोर इनटू समर। मूवी की शुरुआत होती है सोइशिरो नाम के एक बच्चे से जिसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन फिर भी सोइशिरो कभी अकेले फील नहीं करता क्योंकि उसके पास उसकी कैट पीट होती है जो उसकी काफी अच्छी दोस्त थी। पेरेंट्स के जाने के बाद सोइशिरो को उसके अंकल जिनका नाम था कोइची, वो अपने साथ उसे लेके गए थे। कोइची की खुद की एक बेटी भी थी जिसका नाम था रिको। कुछ समय बीतते जाता है, सोइशिरो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद कोइची और उनके पत्नी की भी एक प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है, जिसके बाद उनकी बेटी रिको को उसके दूसरे अंकल जिनका नाम कजुटू था वो लेकर जाते हैं और यहाँ पे सोइशिरो वापस अकेले रह जाता है। समय चलते सोइशिरो को इंजीनियरिंग में काफी इंटरेस्ट आने लगता है और वो अपने अंकल की कंपनी में ही काम करने लगता है। और कुछ समय बीतने के बाद यानी ऑलमोस्ट 1995 के समय सोइशिरो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंट रोबोट यानी A1 का इन्वेंशन करता है और इस इन्वेंशन को उसके अंकल की कंपनी फ्यूचर वर्क एंटरप्राइज में ही डेवलप किया गया था। उसके अंकल के जाने के बाद ये कंपनी उसके दूसरे अंकल यानी कजुटू ही संभालते थे, लेकिन इस इन्वेंशन के बाद सोइशिरो भी एक बड़े पोस्ट पे था। रिको भी कभी कभी सोइशिरो से मिलने आया करती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो शहर में शिफ्ट होने वाली थी और इसी दरमियान सोइशिरो को भी A1 रोबोट प्रोजेक्ट में सक्सेस मिली थी। ज्यादातर वो बिजी रहा करता था, जिसके बाद वो अपने पापा का ही एक पुराना प्रोजेक्ट दोबारा शुरू करना चाहता था जो कि प्लाज्मा बैटरी को बनाने वाला था। उसी वक्त हम सोइशिरो की गर्लफ्रेंड रिन को देखते हैं। दरअसल रिन सोइशिरो के वही दूसरे अंकल कजुटू की असिस्टेंट होती है। यहाँ पे रिको को रिन का ऐसे आना पसंद नहीं था, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे रिन सोइशिरो से कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाने के लिए आई थी जो कि उनके कंपनी के स्टॉक असाइनमेंट होती है। कंपनी के ज्यादातर डिसीजन उसके अंकल कजुटू ही लिया करते थे और इसीलिए सोइशिरो बिना पेपर पढ़े उनपे साइन कर देता है। लेकिन इसी के एक हफ्ते के बाद कंपनी में एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई जाती है जहाँ पे कजुटू कहता है कि अब सोइशिरो A1 इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करेगा और एक दूसरे कंपनी को ये प्रोजेक्ट बेचा जा रहा है। सोइशिरो इस बात के लिए मना करता है, लेकिन उसके अगेंस्ट वोटिंग होती है जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड रिन खुद सोइशिरो के अगेंस्ट वोट करती है और ये सारा फैसला कजुटू के हित में होता है, जिसके कारण सोइशिरो कंपनी से जुड़ी हुई किसी भी चीज को यूज नहीं कर सकता था। उसे कंपनी से निकाल दिया गया था। अब इससे वो काफी गुस्सा होता है। घर आकर देखता है तो उसके जितने भी इक्विपमेंट्स थे, रोबोट्स थे जिन पर वो काम कर रहा था, उन्हें भी उठाकर लेके गए थे। वहां पे वो दुखी मन से शराब पिए हुए बैठा हुआ था, लेकिन तभी वहां पे रिको आती है। रिको उसकी मदद करने के लिए जाती है, लेकिन सोइशिरो काफी गुस्सा होता है और कहता है अब हम बच्चे नहीं रहे, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। फिर रिको वहां से चली जाती है, लेकिन उसी समय सोइशिरो एक पेपर में क्रेडिस कोल्ड स्लिप प्रोग्राम नाम के एक चीज का ब्राउजर देखता है जो कि एक कंपनी होती है जो लोग 5 से 30 साल तक किसी भी इंसान को सुलाकर प्रिजर्व करते हैं, जिससे कि कोई भी एक बार अगर सोता है तो सीधे 5 से लेकर 30 साल के बाद वो उठ सकता है और उसका शरीर वैसे के वैसा ही रहेगा। अब सोइशिरो के पास उसके पेट के अलावा कुछ भी नहीं होता, इसीलिए वो अपने बिल्ली के साथ उस कंपनी में चला जाता है। लेकिन टेस्ट के दौरान पता चलता है कि उसके शरीर में अल्कोहल का लेवल बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए उसे री एग्जामिनेशन के लिए अगले दिन बुलाया जाता है और डॉक्टर उसे वापस एक बार सोचने के लिए कहते हैं। अब रात में सोइशिरो वापस घर आता है और वो अपने और रिको के साथ बिताए हुए पल को सोचने लगता है और तभी वो अपना मन बना लेता है कि वो ऐसे ही हार नहीं मान सकता। उसने A1 प्रोजेक्ट में काफी मेहनत की है और उसी के साथ उसे अपने गर्लफ्रेंड रिन और कजुटू से जवाब मांगना होगा कि उन्होंने उसे धोखा क्यों दिया। यहाँ पे रिको अपने अंकल यानी कजुटू के घर पहुंचती है जहाँ पे वो कजुटू और रिन को एक साथ देखती है। वो उनकी बातें सुनती है कि वो A1 और प्लाज्मा बैटरी का प्रोजेक्ट दूसरे इंजीनियर से पूरा करवाएंगे और साथ ही वो सोइशिरो को मारने का प्लान भी बना रहे होते हैं। अब ये सुनते ही रिको जल्दी से सोइशिरो को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल वॉइस मेल पे चला जाता है। लेकिन तभी कजुटू पीछे से आ जाता है और रिको उसे कहती है कि वो अपने दोस्त को कॉल कर रही थी और वहां से सोइशिरो के घर पे निकल जाती है। उसी दौरान रिन को सोइशिरो का कॉल आता है और रिन उसे मिलने के लिए घर जाती है और फिर रिन के पास पहुंचने पर सोइशिरो से कहता है कि वो जल्दी एक लॉयर को हायर करने वाला है ताकि इन दोनों का पोल खोल सके, लेकिन तभी रिन उसे एक ड्रग का इंजेक्शन देती है। सोइशिरो तड़पने लगता है। उसके पास एक बैग होता है, रिन को लगता है कि उसमें प्रूफ है, इसीलिए वो खोलने जाती है तो उसका कैट होता है जो रिन के ऊपर हमला कर घर से बाहर भागता है। तभी बाहर एक गाड़ी खड़ी होती है, उसमें वो कूद जाता है और उसी गाड़ी के साथ चला जाता है।
लेकिन यहाँ पे रेन सोइशिरो को चेक कर रही थी, तभी उसे उस स्लीपिंग वाले प्रोग्राम के बारे में पता चलता है और उसे एक आइडिया आता है। थोड़ी देर बाद सोइशिरो को जब होश आता है तो वो खुद को क्रायोस्लिप के पॉड में देखता है जो कि मैनिक्स एंटरप्राइज ने ही खरीदा था। और यहाँ पे रेन उस मशीन को एक्टिवेट कर देती है और ना चाहते हुए भी सोइशिरो क्रायोस्लिप में चला जाता है। अब देखते ही देखते समय बीतता जाता है और हम 30 साल के बाद देखते हैं सोइशिरो की आँख खुलती है, तब वही डॉक्टर उसे दिखाई देता है जो प्रोग्राम से पहले उससे मिला था, लेकिन वो थोड़ा बदला हुआ था। तभी डॉक्टर बताता है कि दरअसल 30 साल पहले वो उसके पिता से मिला था। अब नींद से जगने के बाद सोइशिरो अपने कैट पीट को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो अभी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उसके सामने एक दूसरा पेट चला आता है, पीट नाम का। दरअसल वो ह्यूमनॉइड रोबोट रहता है जिसे सोइशिरो का ख्याल रखने के लिए असाइन किया गया था। अब पीट सोइशिरो को एक रूम में लेकर जाता है। अब रात में सोइशिरो को बताया जाता है कि उसके नाम पर कुछ भी नहीं बचा है क्योंकि मैनिक्स बैंक्रप्ट हो चुकी है, और उसे रिको का एड्रेस दिया जाता है क्योंकि रिको बार बार कंपनी में कॉल करके सोइशिरो के जगने के बारे में पूछ रही थी। अब अगले दिन सोइशिरो हॉस्पिटल से कैसेट प्लेयर और वॉलेट लेकर भाग जाता है और वो एक टैक्सी स्टैंड पर आता है, लेकिन उसे टैक्सी नहीं मिलती। तभी वहाँ पे पीट आता है और उसे बताता है कि अभी टैक्सी पकड़ने के लिए उसे एक ऐप के थ्रू बुक करना होगा। सोइशिरो काफी कंफ्यूज था। अब टैक्सी जब वहाँ पे आती है तब सोइशिरो काफी कंफ्यूज होता है क्योंकि उसमें ड्राइवर ही नहीं रहता, पूरी टैक्सी ऑटोमेटिक होती है। अब उसके साथ पीट भी चला जाता है, लेकिन सोइशिरो उसे बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन पीट उसे मना करते हुए कहता है कि वो हॉस्पिटल से भागा हुआ है। साथ में पीट ये भी बताता है कि वो उसे इसीलिए फॉलो कर रहा है क्योंकि उसे पता चल गया है कि सोइशिरो ने ही उसका रोबोट डिजाइन किया है। अब वे लोग रिको के एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। पूरा घर बिखरा हुआ था, उन्हें पता चलता है ये एड्रेस रिन ने ही भेजा हुआ था। रिन आगे बताती है, अब रिन यहाँ पे बताती है कि सोइशिरो क्रायोस्लीप में जाने के 1 साल बाद ही कजुरो की मौत हो गई थी और अब तक वो खुद जेल में थी क्योंकि किसी अनजान इंसान ने उन्हें एक्सपोज कर दिया था टैक्स ना भरने के कारण। और जिस दिन उसने सोइशिरो को वो ड्रग दिया था क्रायोस्लीप में जाने के लिए, उसी दिन उसके घर में भी किसी ने आग लगा दी थी, जिसके बाद रिको का कुछ भी पता नहीं चला था। सोइशिरो रिको के ग्रेव के पास जाकर रोने लगता है। उसे अपने कैट पीट भी याद आती है और वो सोचता है कि कैसे अक्सर पीट सर्दियों के समय में दरवाजे पर ही बैठा रहता था ताकि वो गर्मियों का यानी समर का इंतजार करे, वैसे ही मुझे भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, यानी वो कड़ी, यानी वो मिस्टीरियस इंसान जिसके बारे में रिन ने बताया था, जिसने इनका पूरा पोल खोल दिया था। अब जो पीट रहता है रोबोट, उसके साथ मिलकर ये लोग पता लगाते हैं कि उनकी पुरानी कंपनी थी उसे किसी गार्डियन कंपनी ने लिया हुआ है। तो यहाँ पे तभी उसी समय पीट अपना स्लीप मोड एक्टिवेट करता है और साथ ही बताता है कि अब वो चार्ज मोड पे चला जाएगा। लेकिन इस बात पे सोइशिरो पीट को अपनी बैटरी दिखाने के लिए कहता है और उसे पता चलता है कि ये प्लाज्मा बैटरी है और पीट दरअसल अल्लादीन इंडस्ट्री नाम के कंपनी का प्रोडक्ट था। अब अगले दिन दोनों गार्डियन कंपनी चले जाते हैं। वहाँ पे पहले तो उन्हें अंदर आने से मना करते हैं, लेकिन जब सोइशिरो की आई स्कैन की जाती है तब वहाँ के रिसेप्शनिस्ट रोबोट उसे प्रेसिडेंट से मिलवाने के लिए लेके जाते हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट गोटा सोइशिरो को देखकर काफी खुश होता है, जैसे मानो उसे काफी टाइम से जानता हो, और गोटा सोइशिरो की साइन की गई बुक उन्हें दिखाता है। वो उन्हें बताता है कि वो काफी साल पहले मिले हुए थे और गोटा ने ही और सोइशिरो ने ही उसे प्लाज्मा बैटरी के बारे में भी बताया था। दरअसल यहाँ पे एक दिन सोइशिरो अपने प्रोफेसर टोई से मिलने के लिए गए थे और वहीं पर गोटा उनसे मिला था और ये बुक साइन करके ली थी। उसके बाद वो एक न्यूज रिकॉर्डिंग दिखाता है जहाँ पे वो बताता है कि प्रोफेसर टोई ने अपने रिसर्च के फंड के लिए कुछ पैसे इलीगली लिए थे और वो रिसर्च एक टाइम मशीन पर थी। लेकिन ये सारी बातें सोइशिरो को याद नहीं आती। अब सोइशिरो को लगता है कि शायद किसी ने उसकी आइडेंटिटी लेकर प्लाज्मा बैटरी को कंप्लीट कर दिया होगा, जिसके बारे में पता लगाने के लिए सोइशिरो फिर से गोटा के पास जाता है जहां उसे टारो के बारे में पता लगता है जो कि अल्लादीन कंपनी का फाउंडर था। और तभी पीट जो कि एक रोबोट था वो देखता है कि जो सबसे पहले रोबोट का डिजाइन सोइशिरो ने बनाया था उसका पेटेंट अब टारो के पास है, यानी अल्लादीन कंपनी के ओनर के पास। अब यहां पे
सोइशिरो को कुछ चीजें समझ आने लगती है और अगले दिन सोइशिरो प्रोफेसर टोई से मिलने जाता है जो कि सोइशिरो को देखकर काफी खुश होता है और वो उसे कहते हैं कि टाइम मशीन रेडी हुई है और वो उसे समय में 30 साल पीछे जाने के लिए कहते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि सारी घटनाओं का मास्टरमाइंड सोइशिरो था, इसके बारे में उसे खुद अभी तक पता नहीं था। प्रोफेसर टोई सोइशिरो को कुछ गोल देते हैं ताकि वो पीछे जाकर उसकी रिसर्च को फंड दे। सोइशिरो के लिए टाइम मशीन के एक्टिवेट होते ही पीट भी उसके साथ उस टाइम मशीन में चला जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों भी अब 30 साल पीछे जाने लगते हैं। अब 30 साल के बाद सोइशिरो जब उठता है, और वो दिन तब होता है जब A1 के रोबोट को फिनिश होने के लिए एक दिन बाकी था, वहाँ पे वो अपने सामने टैरो को देखता है, यानी अलादीन कंपनी का ओनर। यहाँ पे टैरो सारे गोल्ड को कैश करवा कर रख लेता है, क्योंकि टैरो को सब कुछ पता था कि कैसे सोइशिरो फ्यूचर से आया है, क्योंकि पीट ने उसे सब कुछ बता दिया था। अब रात के समय पे वे लोग एक प्लान बनाते हैं और सोइशिरो अपने प्लाज्मा बैटरी के ब्लूप्रिंट का काम करना शुरू कर देता है। अगले दिन वो प्रोफेसर टोई से मिलने एक रेस्टोरेंट जाता है और उन्हें अपना सारा पैसा देकर टाइम मशीन पर काम करने के लिए कहता है। पहले तो प्रोफेसर टोई मना कर देते हैं, लेकिन जब सोइशिरो पूरी कहानी बताता है कि कैसे उन्होंने फ्यूचर में टाइम मशीन बनाई है जिसके कारण वो पीछे आया है, तो प्रोफेसर मान जाते हैं। इसके बाद रेस्टोरेंट के ओनर का बेटा यानी गोटा वहां पे आ जाता है और वो सोइशिरो को एक न्यूज दिखाता है जो कि उसके इन्वेंशन के बारे में थी, और वो सोइशिरो से उसके बुक पे ऑटोग्राफ लेता है। अब सोइशिरो टारो से एक और हेल्प मांगता है ताकि वो अपने गर्लफ्रेंड रिन को एक्सपोज करना चाहता था टैक्स चुराने के मामले में, जिससे उनकी कंपनी यानी मैनेक्स एंटरप्राइज भी बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद सारे स्टॉक टारो को ही दे दिए जाएंगे जिससे वो अपनी एक नई कंपनी बनाएगा और उसका वो ओनर होगा, और उस कंपनी का नाम था अलादीन। साथ ही वो रिको को भी अपने साथ रखने की बात करता है। अब वो दिन आता है जिस दिन सोइशिरो को कंपनी से बाहर किया जाने वाला था। दूसरी तरफ पीट उस ट्रक को रोकने जाता है जिसमें सोइशिरो के सभी इक्विपमेंट्स और रोबोट को उसके घर से उठाया जा रहा था। ट्रक उसे टक्कर मारता है, लेकिन पीट के ट्रक पर दोबारा आने से ड्राइवर डरते हुए ट्रक छोड़कर भाग जाता है और सोइशिरो का सारा सामान उसे वापस मिलता है। और यहाँ सोइशिरो ने ब्लूप्रिंट रेडी कर दी होती है। अब सोइशिरो कजारू के घर पे जाता है जहाँ पे वो एक विंडो से अपनी कैट पीट को लेकर चला जाता है, जिसके बाद वो रिको के पास जाता है जो कि दरअसल सोइशिरो को ही ढूंढ रही होती है कजारू के बारे में बताने के लिए। तभी वहाँ पे पीट भी ट्रक लेकर आ जाता है। अब यहाँ पे सोइशिरो अपने घर को जलाकर चला जाता है ताकि सबको यही लगे कि वो मर गया है। इसके बाद वे लोग टारो के घर पे आते हैं जहाँ पे सोइशिरो रिको को टारो से फैमिली से मिलवाता है। अब सोइशिरो रिको और पीट को गुड बाय कहकर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ समय में पीछे वो बस चीजें ठीक करने आया था। फिर वो वापस क्रायोस्लीप वाले कंपनी के पास जाता है जहाँ पे वो दोनों ही कोल्ड स्लीप प्रोग्राम में जाने वाले थे। तो यहाँ पे रिको टैरो के फैमिली के साथ रह रही थी और समय के साथ साथ अपनी स्टडी कंप्लीट करती है, और 10 साल के बाद वो भी कोल्ड स्लीप प्रोग्राम लेती है। और 30 साल के बाद जब सोइशिरो जगता है तब वो और उसकी कैट पीट द रोबोट कैट से मिलते हैं, और साथ ही रिको के क्रायोस्लीप के बारे में भी उन्हें पता चलता है, और रिको का भी प्रोग्राम कंप्लीट हो गया था इसीलिए वो भी जग जाती है। ये देख सोइशिरो भाग कर रिको के पास आता है और दोनों भी एक साथ रहने का फैसला करते हैं, और मूवी इधर ही खत्म होती है।